तब तब धर प्रभु तब विभिन्न शरीरा और हरे कृपा सज्जन भीरा। तो आप विभिन्न शरीरा रख करके चाहे मोदी जी के रूप में, चाहे योगी जी के रूप में, चाहे हमारे नेताओं के रूप में हमारे बीच में आ गए हैं। अब उन आदाताइयों का जो 70 साल से हम लोगों का चूसते हुए भगवते हुए हम सबका शोषण करते हुए आए हैं उनको इस हिंदुस्तान में। अब जिनको अपनी धर्म नहीं है, पता है जात नहीं पता है, अपनी व्यवस्था नहीं पता है, ऐसे लोग को उखाड़ फेंकने का ये जवानी जिधर से नहीं था। इस जवानों का साथ में आए कुछ बुजुर्गों का भी नहीं कहेंगे हमको नहीं बताया। तो इन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाले दिन के लिए महाभारत के युद्ध में तैयारी के लिए कृष्ण और अर्जुन बन करके कौरवों का विनाश करने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के कितने लोगों ने हिस्सा लिया वो तो आप मंच से एक बार देख लेते हैं। हमारे ख्याल से 6,500 लंच पैकेट तो यहाँ बट रहे हैं, उसके अलावा और रास्ते में बांटे गए हैं, तो अब उसका आकलन आप लोग लगा लीजिए। लेकिन इतनी तगड़ी बाइक रैली आज तक इतिहास में नहीं हुई है, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम था, पार्टी कार्यक्रम था बाइक रैली। ये हमारे पार्टी के जो तमाम प्रोग्राम हैं, तमाम योजनाएं 4.5 साल में चलाई गई हैं, ये उद्देश्य है कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर इसको जन जन तक पहुंचाएं। जैसे ये माना जा रहा है कि इसका जो यात्रा निकाली गई इसको राम मंदिर से पहले आगाज किया जा रहा है, क्या माना जाए राम मंदिर? देखिए, कोई ना कोई तारीख तो निश्चित करनी पड़ती है। अब आपको कैसे पता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो कब है क्या है? तो हम लोग कोई भी चीज़ करें तो आगे आने वाले समय के पहले ही होगा, आगे आने वाले समय के बाद तो हो नहीं सकता। राम मंदिर बनना तो जो कुछ भी होगा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं आपके हिसाब से? क्या लगता है, सांसद है, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? जनता की आवाज़ पूछिए, हम लोग बताएंगे। नहीं नहीं, हमने पहले ही कहा था आज के कार्यक्रम के बारे में जो सवाल पूछ लीजिए आप, उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो सवाल आपको आगे करने कला कर लीजिएगा। नहीं नहीं, आज राम मंदिर भाजपा को बनना बनवाना चाहिए या नहीं बनना चाहिए बता दीजिए। हमने फिर आपसे शुरू में कहा था कि आज के कार्यक्रम को लेकर चाहे जितने सवाल कर लीजिए, इसके बाद ऐसा तो है नहीं हम प्रेस वार्ता नहीं करेंगे, प्रेस मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आज जो कार्यक्रम है ये कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी शक्ति आपने देखी, इतने हजारों की संख्या में लोग कोने कोने से आए हैं, है ना। आज हम कार्यकर्ताओं की इस मेहनत को दूसरे किसी विषय पर बात करके उनके मेहनत पर पानी नहीं फेरेंगे। तो क्या माना जाए कि अब राम मंदिर भाजपा के मुद्दे से गायब हो रहा है इसलिए नहीं बोल वो रहा? आप अपने मन में जो मानना मान लीजिए, हमने तो कह दिया जो हमें कहना था। सांसद जी, सरकार आपकी है, देखिए जिस तरीके से चहलकदमी अयोध्या में बढ़ रही है, ये तो बताएंगे आप वहाँ मुस्लिम पक्षकार जो है वो सब दहशत में है, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं, हमें तो नहीं लगता किसी ने आज तक नहीं कंप्लेन किया कोई दहशत में है। इकबाल अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमें नहीं, इकबाल अंसारी क्या जितने वहाँ मुस्लिम लोग हैं सबकी आवाज़ इकबाल अंसारी है? देखिए कूद कूद के, देखिए अरे यार कहाँ बन रही बानबे की स्थिति, ये मुस्लिम पक्षकारों का कहना है। तो किस, हमें तो नहीं लगता है अब एक कोई कूद के नेता बनना चाहे और बेकार की आवाज कहे जिसको और मुस्लिम पक्ष नहीं तैयार है दोहराने को, तो उसकी उसको हम नेता तो पूरे मुस्लिम पक्ष की आवाज मानेंगे नहीं, है ना। कुछ लोगों की नेतागिरी ही इसी पे चमकती है, वही चमका रहे हैं। चंद बाबू नायडू और ममता बनर्जी सीबीआई को अपने प्रदेश में नहीं घुसने देना चाहते। देखिए मानो, मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग यहाँ गोंडा के थॉमसन इंटर कॉलेज के प्रांगण में खड़े हैं आज।